नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द फंक्शंस ऑफ ट्रोपोमायसिन इन स्केलेटल मसल इंक्लूड, ट्रोपोमायसिन का यहाँ पर स्केलेटल मसल में क्या फंक्शन है। तो ट्रोपोमायसिन हम देख चुके हैं, ट्रोपोमायसिन हमने देखा था, ट्रोपोमायसिन कहाँ है हमारा ये देखिए, ये हमारा ट्रोपोमायसिन था, इसको हम यहां से ले चलते हैं कॉपी, और ये हम यहाँ पे इसको डाल देंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस डायग्राम में, देख लीजिए यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन का फंक्शन, ये हमारा ट्रोपोमाइसिन है, ये रहा हमारा ट्रोपोमाइसिन। तो ट्रोपोमाइसिन ने क्या कर रखा है यहाँ पे एक्टिन की, एक्टिन के ऊपर देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्टिन होता है, एक्टिन के पास क्या होता है, एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, जबकि जो हमारा मायोसिन है, मायोसिन के पास क्या होता है, मायोसिन के पास हमारी एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है टीचर्स, तो यहाँ पे क्या है, एक्टिन के ऊपर क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है, और मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है। तो ये जो एक्टिन हम देख रहे हैं, एक्टिन के ऊपर इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को ये क्या रहती है, ये कवर्ड रहती है। दिस इज व्हाट, दिस इज कवर्ड, दिस इज मास्क्ड, है ना, ये मास्क रहती है, ढकी हुई रहती है। और इसको ढकके कौन रखता है, इसको ढकके रखता है ट्रोपोमायसिन। कौन ढकके रखता है यदि हम मास्किंग की बात करें तो ट्रोपोमायसिन, और किसकी हेल्प से ढकके रखता है, ये ढकके रखता है ट्रोपोनिन की हेल्प से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये ही इसकी मास्किंग करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर इसका ऑप्शन देखिए, स्लाइडिंग ऑन एक्टिन टू प्रोड्यूस शॉर्टनिंग, क्या ट्रोपोमाइसिन यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, क्या नहीं, ट्रोपोमाइसिन स्लाइड नहीं कर रहा। रिलीज कैल्शियम आफ्टर इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नो, इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता ही कैल्शियम के रिलीज की वजह से, तो कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएशन हो गया और रिलीज ऑफ कैल्शियम उसके बाद हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। फिर लिखा है एक्टिंग एज रिलैक्सिंग प्रोटीन एट रेस्ट बाय कवरिंग, कवरिंग या मास्किंग ऑफ द साइट्स वेयर मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन, बिल्कुल सही, ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है जनरेट्स एटीपी, तो एटीपी भी ये जनरेट नहीं करता है, तो सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत सोचने वाला क्वेश्चन था, तो इसको इजी कैटेगरी तो नहीं देंगे, मीडियम दे देंगे।